आपको समझा दिया कैसे कैसे लिखवाना है? सर बिल्कुल वैसे ही बन गया, आउटलाइनिंग भी रेड हो गई, गाड़ी की नंबर प्लेट आ चुकी है, प्लेट लगा के इसका काम खत्म कर। वाइस नंबर प्लेट हाथ में है, लो जी हो गया काम। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग देख रहे होंगे कि ये मैंने क्यों पहन रखा है, क्योंकि भाई धूप का कहीं भी नामो निशान नहीं है, धूप की एक भी किरण नहीं निकल रही है। आज मौसम दिखा दूं आपको मैं, इस वजह से आज बहुत ठंड हो रही है, तो ये कानों पे लगा रहा हूं। देख लो। खैर अभी ये हमारी बाइक खड़ी है यहाँ पे, इतने एरिया में चैनल का नाम लिखवा आएंगे। ये खड़ी है अपनी हंटर, मैंने भैया को समझा दिया कैसे कैसे लिखवाना है। ये दुकान है उनकी, यहाँ पे अपना नाम टाइप हो रहा है। परेशान व्लॉग्स तो टाइपिंग कंप्लीट होगी गाइस, अब सिर्फ इस पे चिपकेगी। ये डबल हुई है क्योंकि आउटलाइनिंग के लिए डबल ही करनी पड़ी है। तो देख लो गाइस, जैसा मैं चाह रहा था बिल्कुल वैसे ही बन गया, आउटलाइनिंग भी रेड होगी और इसका जो फॉन्ट है वो ब्लैक हो गया और वहाँ पे लगेगा। अब थोड़ी उधर को कर लो बस। हाँ उस समय लगाओ। तो भाई कुछ इस प्रकार का लगाया, ये एकदम मस्त लग रहा है, यूट्यूब का साइन भी और प्रशांत व्लॉग। ये लोग गाइस पहुंच चुके हैं हम अपनी फेवरेट लोकेशन पे, और ये हमारी बाइक खड़ी है। अभी यहाँ पे एक रील शूट कर लूँ, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से भी। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, उस लिंक पे टैप करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जो भी मैं रील डालता हूँ, मतलब मेरे से जुड़े रहने के लिए, मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं हर एक अपडेट यूट्यूब से पहले इंस्टाग्राम पर डालता हूँ, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। और अपना DRL तो एकदम किलर लुक मार रहा है भाई। आज 29 तारीख है यानी कि वेनेसडे बुधवार। आज हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट आ चुकी है। अभी जो मैंने इस पर नंबर लगा रखा है वो ऐसी टाइपिंग करके लगा रखा है, ये देखो। अभी इसकी नंबर प्लेट लगवाएंगे और उसके बाद ये गाड़ी फुल हो जाएगी, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी जाओ, कोई रोक टोक। जी गाइस अभी पहुंच गए हैं हम शोरूम में। ये शोरूम है देख लो, अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ उसको बोलते हैं लिंक रोड। ये सहारनपुर की लिंक रोड है और लिंक रोड पर ये शोरूम पड़ता है। तो बिना कोई देरी किए कंपनी नंबर प्लेट लेते हैं, उसके बाद पास में इनका वो सर्विस सेंटर है, वहाँ पे नंबर प्लेट लगा के इसका काम खत्म करते हैं। वाइस नंबर प्लेट हाथ में है, नंबर तो आपको पता ही है, बट नंबर प्लेट पे जो नंबर लिख रहा है उसका मज़ा ही कुछ और है। इसको दिखा देगा या बाद में दिखाएं? अभी दिखा देते हैं और क्या। ये लो जी, ये आगे की है, ये पीछे की है, UP 11C/16/70 शोरूम उधर सर्विस सेंटर में। और ये तो आपको पता ही होगा ये क्या है, ये इस नंबर प्लेट में जब पहले तो छेद होगा उसके बाद लगेंगे, फिर मशीन से लगेंगे इसमें, ये जो होल हो रहा है ना शायद इधर भी हो रहा होगा, देख लेंगे उतार के। भाई अभी आ गया हूँ मैं सर्विस सेंटर में, देख लो एकदम गली से के अंदर है, किसी को पता भी नहीं चलेगा ये सर्विस सेंटर है। मुझे भी बहुत टाइम लगा था इसको ढूंढने में, पूछते पूछते आया जब मैं पहली बार आया था तब। अभी इसकी नंबर प्लेट लगेगी, हमारी गाड़ी ये खड़ी कर दी हमने, ये देखो जी, वाह जी वाह। और ये अंदर से तो बड़ा है बट बाहर से एकदम घर जैसा लगता है, ये देख लो अंदर से बहुत बड़ा है ये। ये लो इस कवर भी ले लिया इसका, 250 रुपये का मिला है कवर कंपनी से। इधर अपना कवर लगा, ये जो दो होल दिख रहे हैं ना इनमें लगेगा, और जो मैंने आपको लंबी लंबी कील सी दिखाई थी जो, और
आप ले रहे हैं भैया। इनमें लगेगा वो लगा, इनमें लगेगा भाई। ये जो ये है वो जो इनको कुछ और ही बोलते हैं, ये मशीन से लगती हैं। अभी ड्रिल की सहायता से इनमें छेद जो छेद होगा लकड़ी, ये मशीनें लगाने वाली। लो जी हो गया काम। ये देखो ये दो छेद हुए हैं। बस हाँ ठीक चल रही है। ये आ गई बाहर, अब ये मशीन के सहायता से खींचेगी बाहर की तरफ। लो जी हो गए एकदम टाइट। लग गया भाई और एकदम टाइट होगी। यूपी 11 सी के हूँ 16 70। और जो भाई अपना ये नंबर निकला था जो हमने लगा रखा था टाइपिंग करके, इसको डाल देते हैं डस्टबिन में। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बहुत कम लोगों को पता है, आप इसके सोकर एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखो आपके पास अगर कोई पेंचकस है तो इसको हल्का सा ऊपर उठाओ, यहाँ से ऐसे ऊपर उठ जाएगा ये, और फिर इसको घुमा के, अभी तो ये पूरा फुल पे है, अगर आप इसको और ऊपर करना चाहते हो तो भाई आप यहाँ ले आओ इसको, अगर थोड़ा नीचे करना चाहते हो मतलब थोड़ा सॉफ्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे ले आओ। जब भी मैं इस गाड़ी को लेके कहीं चला जाऊँ तो मम्मी एकदम फोन करती है, मम्मी को डर है कि कहीं लंबे रूट पे ना निकल जाऊँ मैं। हैं हैं मैं लोग कह रहे मुँह ना पकड़ा है। आई क्या हुआ मुँह में, क्या हुआ मुँह में तुरंत घंटी आई मुझे निकले हुए मुश्किल से, मैंने नंबर प्लेट लगवाई, आधा घंटा हुआ होगा, आधे घंटे बाद तुरंत फोन में घंटी बजनी स्टार्ट। कहाँ है, मैं कहीं यहीं हूँ, अभी शहर में ही हूँ, शहर से बाहर नहीं। बस ये अपनी गाड़ी खड़ी है और ये दुकान है। अभी यहाँ हम जो लेने आए हैं वो लेने आए हैं अपनी टंकी का बैग, टैंक बैग बोलते हैं उसको, यहाँ पे लगेगा वो, देखते हैं इनके पास मिलेगा तो दे देंगे, नहीं मिलेगा तो फिर बाहर से लेना पड़ेगा। तो भाई जो इसका बैग है वो कहीं नहीं मिलता, एक छोटा सा बैग दिखाया था उन्होंने, उसमें बस एक जेब थी, वो मेरे को चाहिए थी, मुझे रखना है उसमें बहुत सारा सामान, मतलब चार्जर फोन और भाई अपना जो भी निकालने वाला सामान है वो। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से मिल जाएगा वो, बट नहीं मिला, अब मुझे वही ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। तो बस गाइस अभी 4:30 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में जिम जाऊंगा और उसके बाद खाना पुना खा के अपना सो जाऊंगा। तो इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ
मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। बाय।